एक लड़की जिसकी आंखों में हमदर्दी थी ही नहीं। तो हे, मेरा नाम है प्रवीण और मूवी स्टोरीज के और एक कोरियन एपिसोड है आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कोरियन इंडस्ट्री के शाहरुख खान यानी किम सो हून की टॉप 5 कोरियन ड्रामास के बारे में। और हाँ, इन ड्रामास की खास बात यह है कि ये आपको ऑफिशियल हिंदी डब के साथ मिल जाएगी। तो हाँ, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे नंबर 5 से। नंबर 5, वन और डिनरी डे। ये ड्रामा है एकदम ट्विस्टिंग मसाला, जो आपको रोमांस से थोड़ा हट ले जाएगी सस्पेंस की दुनिया में। एक लड़का जो कि सिंपल स्टूडेंट होता है, पर गलत जगह गलत टाइम पे फंस जाता है हमेशा। और फिर शुरू होती है एक इंटेंस वाली कहानी। इस ड्रामा में प्यार थोड़ी सस्पेंस में रह जाती है, लेकिन टेंशन के साथ प्यार का स्वाद कैसे मिलता है ये तो आपको ड्रामा देखने के बाद ही पता चलेगी। इस ड्रामे को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पे देख सकते हैं। नंबर 4, हाइड्रेन। जब सपने सच होते हैं ना, तो सिर्फ तालियां नहीं बजती, दिल भी इतना तेज से धड़क जाता है, लगता है फुल स्पीकर पे जैसे कि बस प्यार के गाने ही बज रहे हो। आप सभी को बता दूं कि ये वही ड्रामा है जिससे किम सो हून की एक्टिंग की गाड़ी चली थी। ड्रीम हाई एक यूथ सेंट्रिक शो है, जहां आपको म्यूजिक, डांस और इमोशंस के साथ धमाल मिलेगा। यहां किम सो हून ने एक स्टूडेंट का रोल प्ले किया है, जो कि अपने सपनों के पीछे दौड़ता है, पर इसी बीच उसे एक लड़की से प्यार भी हो जाता है। तो क्या वो अपना ड्रीम पूरा कर पाता हो गया फिर नहीं, ये जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखनी पड़ेगी। ये ड्रामा आपको नेटफ्लिक्स से या फिर भाई की भी मिल जाएगी। नंबर 3, दी प्रोड्यूसर्स। टीवी के शो जितने शाइनी दिखते हैं, उनके पीछे उतनी ही रोमांटिक फाइट होती है भाई, जैसे दिल के अंदर की ठरक कभी दिखाई नहीं देती। ये ड्रामा थोड़ा हटके है भाई लोग, क्योंकि इसमें किम सो हून एक रुकी प्रोड्यूसर के रोल में होते हैं, जो टीवी इंडस्ट्री का असली हाल दिखाता है। यहाँ आपको बिहाइंड द सीन और ड्रामा के साथ मिलेगा आपको प्यार का छोटा मोटा मसाला। शो थोड़ा लाइट है, कॉमेडी से फूल भरा हुआ, लेकिन किम का इनोसेंट चार्म जो कि आपको कहानी के साथ बांध कर रखती है, और टीवी की दुनिया के पीछे में जो सेडिंग वेडिंग जो रहती है, उसे देख के एकदम से मजा ही आ जाता है। इसे आप नेटफ्लिक्स और भाई के दोनों पे देख सकते हैं। नंबर 2, इट्स ओके टू नॉट बी ओके। और शायद बहुत लोगों ने इस ड्रामा को पहले से ही देख लिया होगा। ये ड्रामा फुल पैकेज है। स्टोरी है एक नर्स की, जो अपने दिमाग के इमोशंस को थोड़ा गर्म रखता है हमेशा, और एक राइटर है जो है थोड़ा ज्यादा ही क्रेजी, मानो ये एक दूसरे के लिए कभी बने ही ना हो। लेकिन ये दोनों जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो वहाँ रोमांस नहीं, फूल आतिशबाजी होती है, धमाल मच जाता है। किम भाई ने यहाँ जैसे नर्स का रोल प्ले किया है कि हर एक लड़की का ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, एक तरफ प्यार और दूसरी तरफ इमोशनल ट्रॉमा, और बीच में समझे ना, ये शो आपको इमोशनल और रोमांटिक दोनों तरीके से घुमा देगा। तो हाँ, आप इसे चाहे तो नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। पर क्यों, मैं आखिर खुश क्यों नहीं हूँ। और हमारे सबसे पहले यानी नंबर 1 पे आती है हम सभी का फेवरेट कोरियन ड्रामा, माय लव फ्रॉम अनदर स्टार। ये मेरी पहली कोरियन ड्रामा है जिसे मैंने पहली बार देखी थी, और शायद आप में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि इसी ड्रामा से अपनी कोरियन ड्रामा के देखने की जर्नी स्टार्ट की हो। क्या वो सिर्फ एक ख्वाब था? इस ड्रामे की अगर स्टोरी की अगर बात करें तो किम भैया ने इस ड्रामे में एक एलियन का रोल प्ले किया है, जो कि पृथ्वी पे रह रहा है 400 साल से ही। भाई साहब, इतना हॉट एलियन कभी देखा है कभी? एक तरफ ये एलियन और दूसरी तरफ एक एक्ट्रेस जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। ये दोनों जब आमने सामने होते हैं तो इन दोनों में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ना जाने वो कौन सी ऊर्जा है और क्या है, ये जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखनी पड़ेगी। इन दोनों का स्काईफाई रोमांस और बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी देख के मजा ही आ जाता है। तो हाँ, आप लोगों ने अभी तक ये ड्रामा नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, ये ड्रामा बहुत ही अच्छी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ कमेंट जरूर कीजिएगा कि इन ड्रामास में से कौन सी ड्रामा आपको अच्छी लगी, या फिर आपने कोरियन ड्रामा कौन से ड्रामा देखने के साथ स्टार्ट की थी, आपकी पहली कोरियन ड्रामा कौन सी थी जरूर बताइएगा। ओके, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।